उधर बहादुरगढ़ में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़कुनी ने किसान आंदोलन पर एक बार फिर केंद्र सरकार को नई शर्त दी है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर नया कानून बनाए तो किसान तीन कृषि कानूनों में सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान की फसल प्राइवेट में खरीदी जाए तो किसान को सरकार भावांतर दे और अगर सरकार खरीदे तो पूरे रेट में खरीदे। किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहा, तीन नए कृषि कानून देश हित में नहीं है, भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल हो चुकी है। आंदोलन के बाद किसानों का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ है। जितनी देर हो रही है उतना ही किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि जो राजा प्रजा के हित में काम नहीं करे उस सरकार को गिराना बेहतर है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से एक नई शर्त सरकार के सामने रखी गई है और कहा गया है कि अगर एमएसपी पर नया कानून सरकार बनाती है तो फिर जो प्रस्ताव कानूनों में संशोधन के लिए सरकार ने पेश किया है उस पर हम विचार करेंगे।